फ्रंट में हेडलाइट ग्लॉस का रिप्लेसमेंट, यहाँ पे लगी है सिग्नेचर गार्निश जो कि अगेन आपका नेक्सा का पार्ट रहता है। तो 220 वॉट की लाइट रहने वाली है, साल की वारंटी मिलेगी इसमें। ये इसमें 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट होता है। और पीछे डिफ्यूजर लगा जो कि आपका नेक्सा का ही पार्ट रहने वाला है। रहने वाला भैया मलेशियन लेदर रहने वाला है, और आज हमने कुछ अलग ही लेवल का जो है इसमें वो कस्टमाइजेशन की है डोर्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक वेलकम फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि रेनबो मोड के साथ आता है। टेकमेट की जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे करी गई है, जो कि बहुत ही सफाई के साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो हमने यूज किया है वेरी प्रीमियम लेदर, ये अपना मलेशियन लेदर है। आप इसकी जो कंट्रास्ट है, जो इसका जो ऊपर का जो पैटर्न देख सकोगे, बिल्कुल लेदर फील देता भी है ये। तो क्या आपको रिक्वायरमेंट है अपनी कार के लिए, सब चीजें आपको यहाँ पर मिली? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें हैं। हाँ, ये अच्छे रेट्स मिलते हैं, चीजें अच्छी लगती है, आना चाहिए लोगों को। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात की जाए, काम में फिनिशिंग वगैरह आपने बहुत अच्छी फिनिश, सीट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपको फिट जो है वो देखने को मिल जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार बी सिक्स सीरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। सबसे पहले मिलते हैं सुबोध भाई से। सुबोध भाई, हाउ आर यू? मैं भैया बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये बताइए कौन सा वेरिएंट रहने वाला है आज? डेल्टा वेरिएंट। देखा, चेंज हुआ ना? चेंज हुआ इसलिए क्योंकि हर वेरिएंट दिखाना पड़ता है सर, एक गाड़ी के चार वेरिएंट आते हैं, काम चारों के अंदर होते हैं। ठीक है जी। तो सिग्मा, जैसे ऐसे नहीं सिग्मा नहीं है, आप देखो कि सिग्मा भी खड़ी है और सेम कलर में ही खड़ी है। आज ऐसा हुआ कि वैसे व्हाइट सिग्मा ज्यादा रहती है, लेकिन आज दोनों ग्रे हो गई, और इससे पहले गड़ी वो भी ग्रे थी। ओके, तो आज ग्रे डे था हमारा, आज व्हाइट भी मिला मेरे को देखने के लिए। ठीक है, अब देखोगे इसमें व्हील आर्क, पियानो वगैरह, अलॉयज वगैरह सब कुछ चेंज हुए, इसमें चेंज हुए थे अलॉय अपने। तो मतलब ये भी पूरा काम है, और इसके अंदर भी डेल्टा अल्फा वाला पूरा ही काम है इसके अंदर। तो इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसकी वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर इसकी बात करने वाले हैं। सिग्मा तो आपको बहुत दिखाई ना, सिग्मा में क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, और मतलब क्या क्या आप करा सकते हो, बहुत दिखाया आपको। हाँ जी। लेकिन जो भाई डेल्टा लेते हैं, क्योंकि सिग्मा के बाद जो सेकंड डिमांड है वो डेल्टा की होती है, तो फिर उनके लिए क्या ऑफर चलते हैं और क्या चीज लगती है वो भी तो हम लोग को दिखाना चाहिए ना। तो आज हम लोग डेल्टा की आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो सामने से अगर हम बात करें, हाँ, तो यहाँ पे क्या कुछ इंस्टॉल किया है आपने सामने? तो भैया बेसिकली सिग्मा और डेल्टा में ना कोई फर्क नहीं होता, सामने की तरफ से बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम आता, कुछ फर्क नहीं होता। तो आगे तो सेम काम होने वाला है, फ्रंट में हेडलाइट ग्लॉस का रिप्लेसमेंट ये चेंज हो चुका है अपना। अभी बताओ इसमें तीन तरीके के आते हैं, चिपकाने वाला ग्लॉस ब्लैक, चिपकाने वाला क्रोम जो कि पेस्टिंग का होता है, और हेडलाइट रिप्लेसमेंट। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है जहाँ पर एक पीस निकल करके दूसरा पीस लग जाता है। कई लोग बोलते हैं भैया वो कि वहाँ पे मेरे को सस्ती मिल रही है वो चीज़, आपके यहाँ महंगी है। भैया ये रिप्लेसमेंट पार्ट है तो ये आपकी महंगी होगी ही होगी, ये जनरल सी एक नॉलेज वाली बात है। मतलब चिपकाने वाले लोगे तो सस्ती ही मिलेगी। कंपेयर करो तो रिप्लेसमेंट वाले के साथ कंपेयर करो, चिपकाने वाले के साथ कंपेयर ना करो, कोई फायदा नहीं है कहने का भैया। उसके बाद यहाँ पर लगी है सिग्नेचर गार्निश जो कि अगेन आपका नेक्सा का पार्ट रहता है, और आप इसमें चाहो तो 3 फीट कैमरा भी लगा सकते हो डेल्टा के मॉडल में, लेकिन वो लगा नहीं है। ठीक है। बाकी लाइट डाली है इसके अंदर भैया, लाइट का थ्रू आपको चेक कराऊँ तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। 220 वॉट्स की लाइट है, अभी दिन का टाइम है तो इतना पता लगेगा नहीं आपको, तो जहाँ तक पता लगेगा वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 220 वॉट की लाइट रहने वाली है, साल की वारंटी मिलेगी इसमें? इसमें 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट होता है। मतलब आप लोग चाहेंगे ना तो खराब हो गई तो हाथ के हाथ इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है जी। मतलब ऐसी लाइट है जो कि जल्दी खराब भी नहीं होती है भैया, जो कंपनी 2 इयर्स की दे रही है, मतलब वो जो 5 साल चलेगी तभी 2 इयर्स की दे रही है ना भैया। अब अगर साइड से मैं बात कर लेते हैं, साइड्स में इसमें लगा है भैया आपका एक फेंडर गार्निश, ठीक है भैया। रूफ फेस भैया लगवाई नहीं है इसमें, डोर वाइजर लगे जो कि नेक्सा के जेन्युइन है, लोअर गार्निश लगी है, साइड मोल्डिंग लगी है, और अपने अलॉय और फेंडर गार्निश लगा है, एक अपना यहाँ पे इंडिकेटर क्रोम लगा है, और जिले डली है इसके अंदर ऑटो फोल्ड वाली। हाँ, तो साइड्स में आप देखेंगे आप तो पूरा इसका कर सकते हैं, अल्फा मॉडल से कर सकते हैं बिल्कुल कंपेयर, अगर एक रूफ फेयर लग जाए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बेस वेरिएंट या फिर डेल्टा वेरिएंट रहने वाला है, वेरिएंट पता नहीं लगेगा भैया। ठीक है, पीछे की बात कर लेते हैं भैया एक बार, पीछे भी अपना बैक ग्लास क्रोम लगा है जो कि आप देखेंगे। ठीक है, पीछे लाइट का जो क्रोम होता है टेल लाइट क्रोम वो लगा है, पीछे अपना भैया जो इंडिकेटर का पियानो ब्लैक आता है वो लगा है। हाँ जी, जो ट्रंक के लिए आता है, इससे क्या फायदा होता है, जैसे आप लोग कोई सामान निकालते हो ना भैया, यहाँ पे कैमरा यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा मॉडल में कैमरा लगा हुआ आता है, हमने लगाया नहीं है, ठीक है भैया। इसके अलावा देखेंगे आप लोग जब कोई सामान निकालते हैं, कोई हैवी सामान होता है तो यहाँ पे स्क्रैच लग जाते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे आपका लगा है ट्रंक स्टील गार्ड, तो ये भी जेन्युइन एक्सेसरी है, जेन्युइन नेक्सा भी है। पीछे की तरफ जो भी चीज़ें यूज हुई है हर एक पार्ट आपका नेक्सा का ही है, ठीक है। और पीछे डिफ्यूजर लगा जो कि आपका नेक्सा का ही पार्ट रहने वाला है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो प्रॉपर, और इसको नट वगैरह से जो है वो अच्छे तरीके से टाइट कर दिया जाता है ताकि कल को फ्यूचर में निकले नहीं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। और बाकी पार्सल टेस्ट मॉडल में लगी हुई आती है, बेस मॉडल में लगती है, ठीक है भैया, वही बहुत कम कॉस्ट में आती है। और ये बूट लाइट, बूट लाइट भैया ये लगी हुई आती है इसमें, लगी हुई आती है। ठीक है जी। हाँ ठीक है,
उसके अभी है, इसमें आप देखेंगे ये अलॉय का बॉक्स आने वाला है जो कि बिल्कुल जेन्युइन बॉक्स है, इसको देख सकते हैं एमआरपी का लेबल भी लगा हुआ है अभी तक, तो ये हमने चेंज किया है, उसका बॉक्स आपको हमने दे दिया। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं एक्सटीरियर प्रोफाइल से। हाँ। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, जहाँ पर एक और ज़बरदस्त काम जो है वो आपको मिलने वाला है, वो आपको दिखाएंगे, आ जाइए। तो लो जी, आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त अपडेट आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या दिखा रहे हो सुबोध भाई? भैया पहले तो आप देखिए डोर्स भैया, पहले तो बात करते हैं अंदर की तरफ की, जो कि हमने डबल लेयर डैम्पिंग किया, ठीक है, जो कि एम ट्रैक्स की आने वाली है, स्पीकर्स में कोई चेंज नहीं है क्योंकि कंपनी वाले आते हैं, कंपनी वाले आते हैं लेकिन वही भाई बेसिक आते हैं, लेकिन जिन लोगों को बेसिक ही साउंड सुनना है उनके लिए स्पीकर अच्छे हैं। बाकी आप चाहो तो इसमें दो ट्यूटर्स लगवा सकते हो या वन पेयर ऑफ कंपोनेंट लगवा सकते हो, जिससे आपको दो ट्यूटर्स मिल जाते हैं, अच्छी साउंड मिल जाती है। इसके अलावा क्या रहेगा? इसके अलावा डोर्स देखिए आप, ये अपना रहने वाला भैया मलेशियन लेदर रहने वाला है और आज हमने कुछ अलग ही लेवल का जो है इसमें वो कस्टमाइजेशन की है डोर्स के अंदर, आप देखोगे ना तो बहुत ही प्यारा डोर रहने वाला है भाई आपका। सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे तो ये पोर्शन, इसके ऊपर बर्फी डिजाइन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक प्रीमियम अपील जो है इसके साथ आती है। और ये अपना यहाँ पे कंप्लीट पैडल लाइन, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कार भी इसकी स्पेशलिटी रहने वाली है, ये अपना कंप्लीट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेम लाइनिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी और अंदर भी चलेंगे वो भी आप लोगों को चेकआउट करवा देंगे। तो प्रॉपर जो है वो आपको एक इंसर्ट यहाँ पे मिलने वाला है कुशनिंग के साथ, ये प्रॉपर रहेगा। तो ये निकलता तो नहीं है सुबोध भाई? भैया वारंटी रहती है, निकलेगा कैसे, काम अच्छा करवाओगे तो निकलेगा, अगर वही बेसिक वाला इंटीरियर करवाओगे तो फिर तो भैया कोई ना गारंटी ना वारंटी क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है भैया। बाकी आप देखोगे इसमें पावर विंडो प्लेट्स होती है, उसको पियानो किया गया प्रॉपर, ये आप यहाँ पर कंप्लीट चेक कर सकते हो, मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही आती है, सेम ये कलर के साथ आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या रहेगा? एम्बिएंट लाइट K4 जाने वाली है इसके अंदर। और ये कितने पीस रहेगी? 6 पीसेस दिया। तो आप सबसे पहले दरवाजा जो है वो चेक कर सकते हो, पूरा दरवाजे के ऊपर आपको लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा एक पीस यहाँ पर है, एक पीस आपको यहाँ पर, और दरवाजे आप चेक कर सकते हो। अभी K4 में रहने वाली है तो जैसे इसमें आपको वेलकम फीचर भी मिल जाता है, जैसे को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेलकम फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि रेनबो मोड के साथ आता है। उसके बाद कई सारे इसके अंदर आपको सिंगल कलर, मल्टीपल कलर के ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं और मोड्स के ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्लोर पे अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे करी गई है अपनी चेकमेट की फ्लोरिंग, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फ्लोरिंग रहने वाली है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एज टू एज किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। चेकमेट की जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे करी गई है, जो कि बहुत ही सफाई के साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा क्या रहेगा सुबोध भाई? इसके अलावा भैया आप लोग देखेंगे जो मेन पार्ट गाड़ी का रहता है वो रहते हैं इसके सीट्स, और सीट्स में जो हमने यूज़ किया है वेरी प्रीमियम लेदर, ये अपना मलेशियन लेदर है। आप इसकी जो कंट्रास्ट है, जो इसका जो ऊपर का जो पैटर्न देख सकोगे, बिल्कुल लेदर फील देता है भैया ये, तो प्रॉपर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सेम शायद से मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, महीन बर्फी के साथ जो है बहुत ही प्रीमियम टच आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और साथ साथ आपको यहाँ पे जो है वो कुशनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करी गई है, तो अच्छा खासा आपको फील जो है वो आने वाला है। लॉन्ग ड्राइव वगैरह में आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो ये फील कराएगा। और क्या कुछ वारंटी वगैरह मिल जाती है इनकी? वारंटी भी इसकी आपको लगभग लाइफ टाइम तक की मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं 15 साल की लाइफ टाइम, मतलब ये होता है कि 100 साल वारंटी, जब तक ये गाड़ी चलेगी, जब तक ये लाइफ है तब तक इसकी लाइफ होती है, जो 15 साल की होती है। ठीक है जी, ठीक है भैया। और जो ये कस्टमर थे ये बड़े प्रीमियम कस्टमर, इन्होंने कहा भैया बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप काम अच्छा करके दीजिए इनको। तो जो लोग ऐसे लोग होते हैं ना, इनको फिर चीज़ें दिखाने मज़ा भी आता है, और हम लोग ये जो सीट के बाद ये सबको शो भी नहीं करते, हम लोग उनको शो करते हैं जो हमको लगता है कि ये कस्टमर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करवा सकते हैं और इनको प्रीमियम चीज़ से ही फील है। ठीक है, सीट को तो हमारे पास 3500 से लेके चालू हो जाती है बेसिक क्वालिटी के, लेकिन आप समझेंगे कि क्या फर्क है, तो वो फर्क यही होता है भैया, जो कि आपके सामने आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिट फिनिश भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये अपना आर्मरेस्ट को भी इसी के साथ कस्टमाइज कर दिया गया है, और यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन वगैरह चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ आप कॉम्बिनेशन मैच देखोगे तो अपने स्टीयरिंग रैप भी रहने वाला है, जो कि अपना डुअल टोन मुंडेन के साथ रहेगा, ब्लैक और कॉफी का जो कॉम्बिनेशन है वो रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर सिलाई वगैरह किस तरीके की आ रही है, बारीकी के साथ जो है इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट ये दो पार्ट रहते हैं, इसको प्रॉपर इसी मटेरियल में हमने किया है आज, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये वाला पीस, और इसी के साथ अपना ये वाला पीस भी आप चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा सुबोध भाई? भैया इंटीरियर किट तो इसमें चेंज नहीं हुई है, क्योंकि वो भैया ने नहीं करवाई, उनकी अपनी कुछ प्रेफरेंस होती है, बाकी आप चाहो तो वो भी करा सकते हो चेंज। हाँ जी, और बाकी अब आप गेट बंद करेंगे तो आपको डैम्पिंग का एक फील होगा, जो कि ये डैम्पिंग यूज की गई है इसके अंदर, बस साइलेंट कैबिन आपका अब हुआ है, पहले थोड़ा गेट खुल गया था, तो ये आपका एक साइलेंट कैबिन बन जाता है, जिससे आपको जो नॉइज़ वगैरह बाहर की वो नहीं आती है। और विटारा एक ऐसी गाड़ी है ना कि मेरे ख्याल में कंपनी 12-13 लाख में चार्ज करती है गाड़ी की, 12-40 का प्राइस दिल्ली के अंदर है इसका,
12 लाख लेके भी कंपनी तो बहुत सारे फीचर्स देती है, लेकिन बहुत ऐसे छोटे मोटे फीचर्स होती है ना जो कि कंपनी नहीं देती है। अब इसकी एक सेगमेंट की गाड़ी आती है हाई आइडिया, बिल्कुल सेम गाड़ी है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, लेकिन आप देखोगे ना तो उसमें ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी होती है इससे डोसों के मुकाबले। बिल्कुल आपको अगर फील होगा कभी, हम लोग तो हाई आइडिया करते रहते हैं और मोस्टली ज़्यादा बिटाया काम करते हैं, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं डोज के अंदर। ठीक है जी, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी जो कि मारुति नहीं दे रही पर हम दे देंगे। ये हमारे पास आपको सब मिल जाएगा कि इंजन ले आओ, एक बॉडी ले आओ और गाड़ी नहीं ले जाओ, हमसे क्या नहीं लगाते हम लोग। आप चाहोगे डोज नहीं मिल जाएंगे आपको, स्टेयरिंग चेंज हो जाता है, सिस्टम लग जाता है, पीछे का हर एक चीज़ लग जाती है, तो सब चीज़ें जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो सॉफ्ट टच वाला फिनिशिंग किस तरीके की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर कर दी गई है। अगर आप चाहो तो पियानो वगैरह लगा सकते हो जैसे सुबोध भाई ने हमें बता दिया है। इसके अलावा कुछ रहने वाला अपना? इसका दो पार्ट गियर भी हमने किया है सॉफ्ट टच वाइज के अंदर, ये आप चेक कर सकते हो सेम कॉम्बिनेशन के साथ है। तो इंटीरियर कम्प्लीटली जो है मैचिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ काम था डेल्टा के अंदर, इसमें ज्यादा काम होता नहीं है, जो काम होता है वो यही होता है भैया, क्योंकि तो रिक्वायरमेंट को अपना मैच करते हुए सारा काम जो है वो कर दिया गया है, वो कर दिया गया इसके अंदर। तो अब मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ और उनसे जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। और उससे पहले एक बात बताइए कि कितना कुछ खर्चा आ जाता है इस काम के लिए? भैया विद अलॉय इसका जो खर्चा आया वो आपका आया लगभग 90,000 रुपए का। ठीक है जी, अब देखिए यही फर्क होता है कि डेल्टा में 90,000 रुपए लग गए, वही कुछ लोग सिग्मा को भी 90,000 सोचते हैं टॉप मॉडल बन जाएगा, तो बनने को तो बनी जाती है, लेकिन फिर चीज़ों की क्वालिटी का फर्क तो वहीं आ जाता है ना। तो एक चीज़ से मैं क्लियर बोलना चाहूँगा कि जिनको प्रीमियम काम करवाना हो, प्रीमियम अच्छे काम करवाना हो, वही कार्बिश पे आए, वो 80% डिस्काउंट आजकल मार्केट में कुछ सुनने में आया, मेरे को भी 80% या 90% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो तो जनरल सी बात है भैया कि जो लोग समझदार होंगे उनके तो थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा, वो लोग ये चीज़ समझ जाते होंगे किस चीज़ पर 90% डिस्काउंट नहीं मिलता, मतलब मारुति या तो मारुति लूट रही है सर। मारुति आपको अगर 90% वहाँ मिल जाए तो मारुति भी शोरूम वाले लूट रहे होंगे, मारुति देर टू एट क्यों देती है। आप सोचो अगर सपोज को ये चीज आपकी अगर 500 रुपए की है तो क्या इसको बनाने की कॉस्टिंग कितनी आती होगी? 20 रुपए आती होगी क्या? आपको सोचो 90% डिस्काउंट हो गया कि 50 रुपए मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ। तो ये सब फालतू की बातें होती है। हमको जो लोग कमेंट करते हैं, हमको फोन करते हैं 90% डिस्काउंट के लिए, वो लोग फोन ना किया कीजिए, हमारे पास ऐसा कोई डिस्काउंट है नहीं, हम लोग ये सब चीज़ें हैं रहने वाली है। अब मिल लेते हैं एक बार कार के ओनर से, वो जानते हैं कैसा उनका फीडबैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब के थ्रू वीडियोस वगैरह वीडियो से पता चला है। तो आपका डेल्टा वेरिएंट था, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिली? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें हैं। और सिंगल शॉट में मैं पहुंचा था और रात को भी बात हुई थी बस, और सुबह आ गए हम। ओके, तो मतलब वन शॉट में ही अपना जो है सारा काम निपट गया। नो मार्केट चेक सब कुछ, आप यहाँ आइए, अच्छे रेट्स मिलते हैं, चीज़ें अच्छी लगती है, आना चाहिए लोगों को। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात की जाए, काम में फिनिशिंग वगैरह आपने बहुत अच्छी फिनिशिंग, सीट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल, आपको फिर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अब ये बताइए कि अगर आपको ओवरऑल सारे काम को नंबर से रेट करना हो, 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 है जी सर, पूरे नंबर जो है वो अपने रहने वाले हैं। और जिस तरीके से यहाँ के स्टाफ वगैरह ने काम किया या फिर बिहेवियर कहें, अगर शॉप बहुत अच्छी, बिहेवियर तो खैर सबसे अच्छी है और यही बड़ी बात है। ठीक है, काम तो सब जगह हो जाते हैं लेकिन बिहेवियर की बड़ी बात, नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं ग्रैंड विटारा के लिए, कि इस शॉप को ग्रैंड विटारा के लिए वन स्टॉप शॉप कहें तो क्या सही नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आइए, सारे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से कभी रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।